तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, इसी जगह से हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी का खेल आप लोगों के समक्ष पेश है। खेल का नाम पुनः गौर करिएगा, खेल का नाम है गम की आंधी। गम की आंधी, दगाबाज मंत्री, तांत्रिक बना शैतान, उर्फ डाकू कर्मा। बंधु आपको ले चल रहे हैं खेल की तरफ। आप लोगों के समक्ष जो ये दृश्य नजर आएगा ये आसाम मुल्क होगा और आसाम मुल्क के सम्राट चंद्रमणि अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे और महाराज के दाहिनी तरफ उनके प्रजा के रखवाले महामंत्री रंजीत सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे और महाराज के बाईं तरफ उनकी सेना के अफसर आला दीवान सेनापति बलवीर सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे। पहरेदार पे सिपाही तैनात हूं, महाराज व तख्त और ताज की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही। शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा हो। चलो कंचनियों एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज करते हुए अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए।
कहिए मंत्री रंजीत सिंह मेरे धन भी शबराज, ये बताओ कि इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार है? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? राजन प्रजा खुशहाल है, कोई परेशानी नहीं है राजन। ये आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। ऐसा ही होना चाहिए, अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल है, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। राजन प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए राजन। लेकिन मंत्री रंजीत सिंह व सेनापति बलवीर सिंह, तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई, और जिस वक्त हमारी महारानी का स्वर्गवास हुआ है उस वक्त हमारी बेटी राजकुमारी दीक्षा सिर्फ 5 वर्ष की थी, लेकिन अचानक महारानी के मरते ही ना मालूम हमारी बेटी को क्या हो गया कि ना वो कुछ बोलती है ना खेलती है, बिल्कुल गुमशुदा उदास 24 घंटे चारपाई पे लेटी रहती है। हमने उसके इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टरों को बुलवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मंत्री रंजीत सिंह, हर वक्त मैं यही सोचता हूं कि हमारे ना रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा? हमारे ना रहने के बाद हमारे साई महल में दीपक कौन जलाएगा? बस इसी गम में हमेशा मैं डूबा रहता हूं, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरा जन्म कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई डाल नहीं सकता है राजन। महाराज जब से महारानी जी का देहांत हुआ है वह कहीं मेरा चुमारी जी की आवाज चली गई है, ना तो कुछ बोलती है और ना ही बिस्तर से उठती है, हर वक्त गम सदा उदास पड़ी रहती है। महाराज जब देश विदेश का डॉक्टर व वैद्य बुलाया गया है लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो राजन मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि शायद राजकुमारी जी अब कभी ठीक नहीं होगी, इसे आप राजकुमारी जी का गम अपने दिल दिमाग से हटा दीजिए, अगर से आप इसी तरह रहेंगे तो फिर इस ताज और तत्व का क्या होगा, इस आवाम का क्या होगा राजन? नहीं रणवीर सिंह, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं खुद आश्रम में पड़ा हूं कि दवा काम क्यों नहीं कर रही। हाँ बलवीर सिंह, और जब दवा काम ना करे तो समझ लेना चाहिए कि कोई शैतानी हरकत है, शैतानी और दवा का सहारा लेना चाहिए। दवा और दवा में बहुत बड़ा फर्क है। बलवीर सिंह तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि जब देश विदेश का डॉक्टर वैद्य फेल हो गया है तो तुम्हें दुआ पर कैसे विश्वास है कि राजकुमारी जी ठीक हो जाएगी? रणवीर सिंह, सुना है कि जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है, इसे दुआ का सहारा लेना चाहिए। महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और हे महाराज जी बिने मानो मेरी, हे महाराज जी बिने मानो मेरी,
बाबा कल्याणी मलिके चलो पास जंगल में वो रहते दुनिया का करते हैं कल्याण महाराज। इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ जो घनिष्ठ जंगल है उसी जंगल में एक काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में बाबा कल्याणी मल रहते हैं। राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल को दिखा दें, शायद माँ काली की कृपा से और बाबा के दुआ से राजकुमारी जी मुसीबत से निजात पा जाएं। बलवीर सिंह, जब देश विदेश का डॉक्टर वैद्य राजकुमारी को नहीं ठीक कर पाया है तो वह तांत्रिक और ढोंगी राजकुमारी को क्या ठीक कर पाएगा। रणजीत सिंह, बगैर सोचे बिचारे किसी को ढोंगी नहीं कहना चाहिए, हर बाबा एक समान नहीं होते। बलवीर सिंह, तंत्र मंत्र यंत्र में अभी वो शक्ति है कि अगर चाह ले तो हरे पेड़ को सुखा सकता है और सूखे पेड़ को हरा कर सकता है। बलवीर सिंह, मुझे इन तांत्रिक और बाबाओं पे विश्वास नहीं होता है क्योंकि ये बाबा लोग अक्सर विश्वासघाती होते हैं, इसलिए मुझे तांत्रिकों और बाबाओं पे विश्वास नहीं है। महाराज, बलवीर सिंह की बातों पे आप यकीन न कीजिए क्योंकि आपको गुमराह कर रहे हैं। राजन, मैं गुमराह कर रहा हूं? और क्या कर रहे हो? महाराज, आप मेरी बात मानिए, सिर्फ एक बार बाबा कल्याणी मल को दिखा दी और फिर फला नहीं होगा तो बुरा नहीं होगा, साथ साथ मां काली के दर्शन हो जाएंगे, राजकुमारी जी को दिखा दिया जाएगा, इसमें हर्ज क्या है? बलवीर सिंह, क्यों खामखा वक्त को बर्बाद करने चल रहे हो? महाराज, बलवीर सिंह की बातों पे आप विश्वास मत कीजिए। रजन, बलवीर सिंह, तुम ठीक कहते हो कि दिखा देने में हर्ज क्या है? हाँ महाराज। और मंत्री रजीत सिंह, तुम क्या चाहते हो कि हमारी बेटी कभी ठीक ना हो? महाराज, मैं तो चाहता हूं कि राजकुमारी ठीक हो जाए। तो दिखाने में हर्ज क्या है? तो ठीक कहना तुम्हारा है बलवीर सिंह, आपकी बात से मैं इनकार हूं, अभिनिवास साथ में बैठ जा को मैं चलू बाबा के टिकना करू कुटिल बलवीर सिंह। महाराज, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि बेटी के सिवा और कोई दूसरा संतान हमारे पास नहीं है, काश अगर हमारी बेटी ठीक ना हुई तो हमारे न रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा? आप निराश क्यों हो रहे हैं? नहीं, जिंदगी और मौत उस मालिक के हाथ है,
और हमें ऐसा लगता है कि राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही। और फिर शैतान सिर्फ परेशान कर सकता है लेकिन जान नहीं ले सकता। 12 वर्ष गुजर गए, देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े वैद्य हकीम बुलाए गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिल रहा। तो समझ लेना चाहिए राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है। ठीक है, चलो बेटी को साथ में लेकर के चलिए। हुजूर, मैं पहुंचाऊंगा। तुम बाबा कल्याणी मन के पास मुझे पहुंचाओ, सब लोग हमारे साथ आओ। रणजीत सिंह, बाबा का चमत्कार देखोगे तो देखकर तंग रह जाओगे। वहां एक नहीं सैकड़ों की भीड़ होती है और लोग रोते हुए आते हैं और बाबा के चौकट से हंसते हुए जाते हैं। ये नजारा अपनी आंखों से देख चुका हूं। ठीक है बलबीर सिंह, चलिए उस बाबा तक चलते हैं और देखता हूं कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ है वो। आइए चलिए। कहे इतना खौरिया जादो शिवाई। बलबीर सिंह जो कुछ कर रहा है ये अपने हक में अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन आज सबसे पहले हम उस बाबा के पास चलते हैं और देखता हूं कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ है, राजकुमारी को ठीक कर पाता है या नहीं। आ मेरे साथ। बाबा जी, हमारा नाम चंदमणि है, मैं इस आसाम मुल्क का सम्राट हूं। महाराज, मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है, आपको कोई भी इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको पहुंचाने वाला यहां पर कौन है, कौन लेके आया है? बाबा जी, आपके पास तक पहुंचाने वाला और कोई नहीं,
हमारे राज दरबार का सेना नायक सेनापत बलवीर सिंह है। सेनापत कौन है, उसका नाम है? आइए बलवीर सिंह, बाबा जी से बातें करो। बाबा कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। आपने कोई गलती नहीं किया, बल्कि एक राजा को आज माँ के टेंपल तक पहुंचा करके तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा सर्व कल्याण होगा। बाबा काश राजकुमारी जी आपकी चौखट से ठीक हो गई तो पूरे आसाम राज्य में आपके नाम का शोहरत होगा, लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। चलो ठीक है, कम से कम आप जैसे बड़े लोगों के अंदर देवी देवता के प्रति विश्वास तो है। बाबा हमें तो विश्वास है देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर विश्वास नहीं करते। वो यही कहते हैं कि सब ढोंग रचाते हैं, चकोसला करते हैं। छोड़ो जाने दो, दुनिया है क्या करोगे। कुछ लोग तो अपनी माँ के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं, वो अपनी माँ से सगे बाप का नाम पूछते कि मेरा सगा बाप कौन है, क्या करोगे। लाओ चिट्ठिया को इधर लाओ, क्या हुआ इसको। सिपाही माँ के चरणों में डाल दो। बाबा जब राजकुमारी की उम्र 5 साल की थी तो महारानी जी का इंतकाल हो गया, और महारानी जी के मरते ही राजकुमारी जी की आवाज चली गई। 12 वर्ष गुजर गए, देश विदेश के डॉक्टर पड़े पड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। यही हालत बनी रहती है, ना किसी से बोलना ना चलना, हमेशा इसी तरह चारपाई पर पड़ी रहती है। है तो बहुत ही जटिल समस्या, फिर भी देखता हूं महाराज, क्या मैं आपकी बेटी का हाथ देख सकता हूं? देख लीजिए आप बाबा जी, जरा इस लड़की का बायां हाथ मेरे को दिखलाइए। ये क्या देख रहा हूं? ए छोड़ दे हाथ और पिछाड़ जा। महाराज मेरे को ताज्जुब हो रहा कि आप लोग गिंदा कैसे हो। अरे आप सब लोगों को मर जाना चाहिए, क्योंकि इस लड़के के हाथ में लाइफ लाइन के बगल से एक ऐसी रेखा निकली है जो बुरी आत्मा का संकेत कर रही है। हा? बुरी आत्मा का संकेत कर रही है। मेरे को ताज्जुब हो रहा है, आश्चर्य की बात है कि तुम लोग जिंदा कैसे हो, क्योंकि अकाल मृत्यु होना भी स्वाभाविक है, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज आप दीनों के दाता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, इस मुल्क के राजा हैं, मेरे सामने हाथ जोड़ करके मेरे को शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं। ये माँ के चरणों में प्रिय बेटिया, इसका उद्धार अवश्य होगा। जय माँ काली की, जय माँ काली की। नजर बन नजर बन, 40 कदम आगे बान, 40 कदम पीछे बान, 40 कदम दाएं बान, 40 कदम बाएं बान, घर बान द्वार बान, आई हुई वाला को बान, काला कलवा छिटोरा बीज मारो तीन न भागे भी, जहां को जाए वहां को जाओ, अरे पकड़ के उसको लाओ ठाओ, क्यों ऐसा न दिखलाए मुको, तो मैं तेरी माँ बहन पे लांग को खोलूं।
मैं इस लड़की के ऊपर अब मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके बिफोर में मैं आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन देना अनिवार्य समझता हूँ। कहा गुरुदेव? एक शक्त निर्देश है तुम लोगों के लिए। ये जो मैंने राउंडिंग रेखा खींच दी है गोलाकार, हाँ, इस रेखा के अंदर किसी के पैर नहीं आने चाहिए। कहे गुरुदेव? नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम, मैंने मैं कुछ नहीं। अरे भूल करके भी किसी के पैर नहीं आने चाहिए। ये लड़की किसी के ऊपर भी हमला कर सकती है, हमला बोल सकती है, अटैक कर सकती है, लेकिन रेखा के बाहर नहीं निकल सकती है। इसलिए रेखा के करीब कोई मत आना। यारे शर्वरूपे यारे शर्वरूपे शैशितता नमस्तस्तये 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 नमो नमः। ओम श्री सर्वासाधिके सरलये त्रियंबके गौरी नारायण नमो अस्तुते। या देव सर्वभूते या देव सर्वभूते भूतात्मा भूचिश भूरभौ भवा। या देव सर्वभूते भूतात्मा भूचिश भूरभौ को। डरो नहीं, मैं खड़ा हूं, कुछ नहीं होगा। उठाओ उठाओ महाराज, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। अब इसमें कोई भी दुविधा कोई भी संशय नहीं है, ये लड़की निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। परंतु इसके बदले में आपको कुछ देना होगा। क्या देना होगा बाबा जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो। हे महाराज जी, तुम्हें तुरो ध्यान दे। चाहिए रक्त उंगली का थोड़ा
छोटी कन्या की किस्मत फिंगर का थोड़ा सा ब्लड निकाल करके मेरे को दे दीजिए। बाबा जी अगर ये बात है तो मैं अभी अपना खून आपको दे रहा हूँ। देर मत करो महाराज, इस समय निकलता जा रहा है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। बलबीर सिंह काट दो मेरी उंगली को। बिल्कुल देर मत करो,